भैया सोचने वाली बात यह है कि काले बंदर ने हमें छत पर काला कपड़ा टांगने के लिए कहा है, इसका मतलब वो हम सब पर नजर रखे हुए हैं। भैया वो आसपास ही होगा, वो ये चिट्ठी फेंककर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे अनु को बचाने जाना होगा। गहना तुम लोग करंटिया को संभालो, हम लोग देख कर आते हैं। भाभी मुझे जाने दो। भाभी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मुझे जाना है, सिर्फ मैं ही अनु को बचा सकती हूँ। संभालो तो मम्मी। नहीं नहीं भाभी मुझे जाने दो। ममता इसे रुकने नहीं देंगे, इसे कमरे में ले जाकर बंद कर दो। अनु के साथ साथ कहीं ये भी मुसीबत में ना पड़ जाए। अरे अम्मा साहब मुझे जाने दो। चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। किसी ने देखा उसे? नहीं सर, किसी ने भी नहीं देखा। वो तो जब इन लोगों को लगा कि ये बाइक दो दिन से यहाँ पर ऐसे ही पड़ी है तो तब जाकर के इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। इसका मतलब आप लोगों में से किसी ने उसे बाइक लगाते हुए नहीं देखा? मैंने देखा सर। इधर आइए। मैंने उसे बाइक लगाते हुए देखा सर, पर इतना अंधेरा था कि उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन तुमने ये तो देखा होगा कि वो बाइक लगा के कहाँ गया? हाँ साहब, वो उस घर में गया था। थैंक्स, तुमने हमारी मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। अब हम उसे जरूर पकड़ लें। अपने रिकॉर्ड रूम में चेक करो कि इस मोहल्ले में कितने लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके सर। सर हमने सारे रिकॉर्ड चेक करवा लिए हैं, इस मोहल्ले में सिर्फ 3 लोग हैं जिनके अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज है। चलो उनसे अभी पूछताछ करते हैं। सर आओ। किसी के रोकने से रुकने वाली ना हूं मैं, अनु मुसीबत में, मुझे जाना होगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? साहब वो तो 10 दिन से आया ही नहीं। वो जैसे ही आए उसे लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाओ। क्यों, क्या हुआ साहब? आ जाओ, मैं वहाँ बताता हूँ तुमको, ठीक है? आपका बेटा कहाँ है? मैंने तो उसे 10 दिन पहले ही गांव भेज दिया था जमीन जायदाद की देखभाल के लिए। ठीक है, जैसे ही वो आए उसे पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, वो जैसे ही उसे भेज देना। ओके। आपका बेटा कहाँ? सर वो जब से तड़ी पार हुआ है ना घर लौट कर नहीं आया। 6 महीने हो गए मुझे अपने बच्चे की सूरत देखे हुए। अगर आपका बेटा आ जाए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। ठीक है सर। सर हमने 3 घरों की तलाशी ले ली लेकिन वहां से हमें कुछ भी नहीं मिला। सर मैंने आसपास भी पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। तुम दोनों उन 3 घरों पे नजर रखना। ओके सर। हाँ तुम दोनों मेरे साथ आओ। आ
आप सुपर हीरो हो। मेरा हीरो कभी गलत नहीं हो सकता। क्या ये पेपर्स क्यों देख रहे हैं? काले बंदर ने फिर कुछ गड़बड़ किया क्या? ओए होए, फिर तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया है ना उसमें भी झमेला है। ऐ देखो जी, ये दोनों चिट्ठियां ना उस काले बंदर ने हमारे घर में फेंकी थी। एक मिनट, पर दोनों की लिखावट में कितना अंतर है। इसका मतलब काला बंदर एक नहीं दो है। वाला अच्छा हीरो, बुढ़े वाले को मजा मैं चखाऊंगा। बहुत अच्छे हो। जन्नू बायगढ़ की कसम, कैसी बातें कर रहा तू है? अजी वो अच्छा कैसे हो सकता है? वही तो तुझे उठा के ले गया था ना। एक मिनट, तुझे पता है वो कहाँ है? हाँ, दूसरी गली में जो कोने वाला आखिरी घर है ना, वहीं पे है वो। चलो 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 चलो, संभल के जाना। क्या रख रहा है? नानू को लेकर अंदर जाती हूँ,
कर दिया, भाभी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ लवली चल 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 करंटिया भाभी, ये देखिए हमारा अनु आ गया। करंटिया भाभी कहाँ है? अरे इसने पंडित जी को मार डाला। हाय हाय। अरे जी देखो, सोने का शिवलिंग भी चुरा लिया है इसने। इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसे। मारो इसको, मारो। मुझे करंटिया जा कहाँ सकती है? हाँ वही तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जा कहाँ सकती है? क्या हुआ, वो काला बंदर मिला? हमने हर जगह देखा लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वो निकल गया था। काले बंदर को बाद में पकड़ना, पहले करंटिया को ढूंढो। वो अनु को ढूंढने पता नहीं कहां चली गई है। अरे अम्मा सा, एक खुशखबरी है, ऊंट की कसम देवी मां की कृपा से हमारी सारी मुसीबत गई पानी में। हां और एक काला बंदर पकड़ा गया। क्या काला बंदर पकड़ा गया? आंटी लोगों ने उसी काले बंदर को पकड़ लिया जिसे आपने मेरे साथ देखा था। अरे हाँ हाँ बेटा, थारे को ऊपर मारने की कोशिश जो कर रहा था ना वो। नहीं, वो अच्छा वाला काला बंदर है, उसने को मुझे बचाया है। उसे कुछ मत करो कोई प्लीज। ताऊ जी प्लीज बचा लो, उसने ना मेरे लिए बोले काले बंदर से फाइटिंग की। बेटा तुम रोना बंद करो, हम उसे बचाएंगे ठीक है, तुम रोना नहीं। मुझे अब भी किया था जैसे कि वो मुझे जानता हो। उस काले बंदर ने हमारे घर में फेंकी थी, पर देखो दोनों की लिखावट में कितना अंतर है। मुझे जाना है, सिर्फ मैं ही अनु को बचा सकती हूँ। तब आने दे मम्मी, मुझे जाने दो। उसने मुझे अब भी किया था जैसे कि वो मुझे जानता हो। आप लोग अनु का ख्याल रखिए, मैं बस अभी आती हूँ। लिखावट चेक करती हूँ। फिरौती वाले लेटर की लिखावट तो मैच नहीं कर रही। एक काम करती हूँ, निम्मी भाभी को जो लेटर मिला था उसे चेक करती हूँ। भोलेनाथ, ये तो मैच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि करंटिया भाभी ही वो काला बंदर है जो सबकी मदद करती थी।
कहना क्या चाह रहा है? दो काले बंदर? हाँ, एक बुरा वाला और एक अच्छा वाला। पर अगर अनु की बात सही है तो करंटिया भाभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। कहीं लोगों ने जिस काले बंदर को मंदिर में पकड़ा है वो करंटिया भाभी तो नहीं है? लवली, ये आवाज कैसी थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कार्तिक, बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? अनु बिल्कुल सही कह रहा था, एक नहीं दो दो काले बंदर हैं, एक अच्छा वाला और बुरा वाला, और अच्छा वाला काला बंदर कोई और नहीं, हमारी हमारी करंटिया भाभी है। लवली, तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं समझाती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये लेटर देखो, ये दोनों मैच कर रहा है ना, देखो। लवली, अगर तुम ठीक कह रही हो तो करंटिया भाभी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत है। मंदिर में उन्हें लोगों ने घेर रखा होगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो कह रही हूँ हम लोग तुरंत चलते हैं वहां पर मदद करने के लिए उनकी। नहीं लवली, कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले हमें एक बार और तसल्ली कर लेनी चाहिए। अनु भी बच्चा है, हो सकता है उससे भूल हो गई। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, हम दोनों उससे फिर से बात करते हैं। चलो। बाहर पता नहीं किस काले बंदर को पकड़ के रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब, अभी तक कुछ पता नहीं चला करंटिया का, क्या करे? अरे यही कहीं होगी, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगी। अनु, अनु बेटा, वो तुम कुछ बता रहे थे ना काले बंदर के बारे में, एक काला बंदर अच्छा है, एक काला बंदर खराब है, वो क्या बता रहे थे तुम, जरा बताओ। अरे ये अनु क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताओ क्या हो क्या रहा है। भैया, वो अनु जिस अच्छे बंदर के बारे में बात कर रहा है वो और कोई नहीं, हम सबकी अपनी करंटिया भाभी है।